तेहरान से बजा विश्व युद्ध का बिगुल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमास इजराइल महायुद्ध पर सटीक से सटीक, बारीक से बारीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और हमास इजराइल की जंग लगातार जारी है, 3 हफ्ते का समय अब इसको बीतने वाला है। हमास पर इजराइल का हमला लगातार हो रहा है। IDF ने हमास पर हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हमास ने खान यूनिस के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। IDF ने गाजा में 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला भी किया था, तो ऐसे में कई कमांडर हमास के यहां पर ढेर हो रहे हैं और ऐसे में जो कार्रवाई है इजराइल की ओर से लगातार जारी है। इन 20 दिनों में इंसान ने अपनी जिंदगी खोई है। तबाही का वो खौफनाक मंजर देखा है जो 7 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था और सिलसिलेवार तरीके से लगातार ये युद्ध खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो 2 हिस्सों में इस पूरे महायुद्ध को लेकर बट भी चुके हैं। तो गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। पिछली 2 रातों से इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है और इतना ही नहीं, उसके लड़ाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ताकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से ठीक पहले सेना के लिए एक बफर जोन बनाया जा सके। देखिए, इजराइल फिलहाल जो है वो ये मानकर चल रहा है कि गाजा में एक बार घुसने के बाद हमास के खात्मे में महीनों लग सकते हैं और इसीलिए इजराइल ने एक लंबी जंग की तैयारी कर ली है, जिसके तहत इजरायली सेना ने जनवरी 2024 तक अपने 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स तैनात रखने का फैसला किया है और हथियारों का स्टॉक जमा करने में जुट गया। गाजा पर लगातार 20 दिनों तक बम बरसाने के बाद वहां की हालत कैसी हो गई है, ये इन 5 तस्वीरों को देखकर समझ आ जाएगा। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। ये उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की इन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि कैसे इजराइल के हमलों से गाजा का नक्शा ही बदल गया है। शहर के शहर उजड़ गए हैं, गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमास का दावा है कि गाजा में इजराइल के हमलों से 29,000 इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अब ये इमारतें रहने के लायक नहीं हैं, यानी कि इन इमारतों में रहने वाले लोग जो जिंदा बचे हैं वो बेघर हो चुके हैं। अब उनका पता, ठिकाना, आसरा और बसेरा गाजा के राहत शिविर में है। गाजा में इतनी तबाही मचाने के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की ठान ली है, मतलब कि गाजा में बची खुची तबाही अब शुरू होगी। जब इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसेगी और हमास को पनाह देने वाली एक एक इमारत को मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ेगी। इस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने क्या तैयारी की है, जरा वो भी जान लीजिए। इजराइल ने हजारों मिसाइलें, बम, रेडार और मिलिट्री उपकरण जमा कर लिए हैं। अमेरिका ने इजराइल के लिए पश्चिमी एशिया में अपने इमरजेंसी वेयरहाउस खोल दिए हैं। इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री ने विदेशियों को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। यूरोप के कई देशों ने हाल ही में इजराइल से मिले हथियारों को उसे वापस भेज दिया। इसके साथ ही इजराइल ने हजारों डॉक्टर और नर्सों को ट्रेंड किया है ताकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वो घायल सैनिकों का फौरन इलाज कर सके। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल होने वाले सैनिकों की मदद के लिए गाजा के पास 2 इमरजेंसी सेंटर बनाए गए हैं। एक तरफ इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेफ बेस बनाया जा रहा है। पिछले 2 रातों से इजराइल की सेना गाजा में हर रात घुस रही है और नया सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटी है।